हाँ, अब बंद क्यों कर रहा है, अब बंद क्यों कर रहा है बेटे? मैं मेरे बाहर जाते ही बेटे इतनी मार खाए। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी गाइस फिलहाल मैं कर रहा हूँ ब्रेकफास्ट। आज ब्रेकफास्ट में है पपीता। तो आजकल हम ब्रेकफास्ट में हल्के हल्के फ्रूट्स वगैरह सैलेड वगैरह खा रहे हैं, कभी पपीता, कभी सेब, कभी केला, इस तरह से ही। तो सही रहता है ना, सुबह सुबह फ्रूट्स खा लो थोड़े, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर हम खाना खाते हैं, रोटी वगैरह, चावल वगैरह। और देखो घर में शांति हो रही है, बिकॉज पीयूष कुनाली गया स्कूल, तो कुनाली भी आने वाला होगा थोड़ी देर में, उसके बाद पीयूष भी आ जाएगा, फिर शांति खत्म। अभी सिर्फ घर में किचन की आवाज़ आ रही होगी आपको, किचन की, किचन में खाना बनने की, बर्तनों की आवाज़ आ रही होगी। ये देखो पता नहीं क्या बना रही है मम्मी, देख के आते हैं। क्या बना रहे हो? तो मम्मी बना रही है भटकी दाल, छींटे आ रहे हैं, ठीक है, डाल दो आटा। तो भटकी दाल में डलता है आटा, तो ये भटकी दाल है, इसको हम फ्राई कर दिया, इसको ऐसे भी खा सकते हैं लेकिन बहुत गर्म हो रही है, तो अभी आटा डाल दिया, आटे के ऊपर इसको डालेंगे, फिर बन जाएगी मस्त भटकी दाल। ये हेल्दी होती है, काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होती है, तो इसको हम चावल के साथ खाएंगे, लेकिन इस दाल को भूनना पड़ता है पहले। देखो चलो अब कुनाली को लेने चलते हैं, कुनाली भी आने वाला है ना। और ये देखो आज क्या कर रखे हैं, सारे कपड़े कहाँ सुखा रखे हैं भाई, बाइक के ऊपर, स्कूटी के ऊपर, नीचे भी डाल रखे हैं, रखे हैं। और देखो यहाँ भी कपड़े सुखा रखे हैं, मेन गेट पे कपड़े सुखा रखे हैं, वाह इनका अलग ही चल, सब जगह कपड़े कपड़े दिख रहे हैं बस। ये देखो हमारा घर कैसा लगा, कपड़ों से ढका हुआ। तो कुनाली की बस आने वाली है, स्कूल से आते ही भाग गया। देखो स्कूल से आए कुनाली, पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। आज क्या पढ़ा स्कूल में, क्या पढ़ा आज? आज कुछ नहीं। कुछ नहीं, अरे कौन आया, कौन आया, कौन आया? तो कुनाली आते अपनी गाड़ी में चढ़ गया, अभी पूरा दिन बस गाड़ी चलाता रहेगा, गाड़ी। और मेरे दो कुरियर आ चुके हैं, इनको अनबॉक्स करते हैं, चाकू लेके आओ, इनमें कैंपिंग का सामान ही होगा भाई। आजकल सिर्फ कैंपिंग का सामान आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा, ये तो मस्त चीज है। हाँ ये वो है, पता नहीं आपको, एक यहाँ बांधो, एक पेड़ पे यहाँ बांधो, एक पेड़ पे यहाँ बांधो, और फिर बीच में लेट जाओ। इसमें बर्तन है, चार गिलास हैं, चार जने खाना खा सकते हैं, चार जने। कुनाली जल्दी आओ, आराम से सो जाओ, खींचो ना, अरे हिलो मत कुनाली, हिलो मत कुनाली, हिलो मत, पीछे पीछे की तरफ जाओ, आप पीछे की तरफ जाओ, और पीछे आप ही रहो ना, आप मत हिलो। कुनाली को मजे आ रहे भाई, भाई कुनाली के लिए तो मस्त है। मजा तो आएगा जब रिवर के किनारे पेड़ में जब ऐसे झूलेंगे ना, रिवर के किनारे। कुनाली मजा आ रहे, भाई कुनाली नहीं ऐसे मत करो यार, लगी सिर में, लगी लगी उसको, हिलते नहीं, अरे हिलते नहीं है उसमें। चलो फिलहाल खाना खाते हैं, खाना रेडी हो गया हमारा, दाल चावल साथ में हरी सब्जी भी है और सैलेड भी है। वही उधर देख बंदर आ गया, बंदर, बंदर का नाम सुनते थे ना, कैसे देख रहा है, वही बंदर आ गया, बंदर आ गया, खाने के ऊपर चढ़ाएगा क्या भाई? इसकी नजर हट ही नहीं रही है टीवी से, इसकी नजर हट ही नहीं रही है, देखना। तो भी गाइस पीयूष भी आ गया स्कूल से, कैसे चल रहा है स्कूल, बढ़िया पढ़ाई वढ़ाई? एग्जाम था, कैसा हुआ? कंप्यूटर का, कल भी एग्जाम, कल भी मैथ का है। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ मार्केट, ये जो हेलमेट में कैमरा लगा हुआ है ना गोप्रो, इसका माइक खराब हो चुका है, तो आवाज़ बहुत खराब सी आ रही है, तो इसका माइक नया लेके आया, चलते हैं मार्केट और इसका माइक चेंज करते हैं। ये जो दिख रहा है ना वायर, ये माइक की वायर है, फिर उसको देख रहे हैं, पक्का आईपैड में लगा हुआ, पक्का आईपैड में लगा हुआ, क्या देख रहे हैं, स्कूल से आता है आईपैड में, ये देखो, ये देखो कांच, भाई गिरेगा लगेगी, ये किसकी बाइक है, नई बाइक ले ली भाई, कितनी बाइक लेते हैं यार ये। चलो भाई तो अभी पहुंच गए निर्मल भैया के शोरूम पे, वो भी आ रहे हैं साथ में। मैं भी सोच रहा हूँ एक शोरूम वोरूम खोल लूँ मैं भी, सही है साइड बिजनेस के लिए ना। गाइस कमेंट कर देना क्या खोलना चाहिए मुझे भी कोई शोरूम, एक शोरूम खोल लूँ मैं भी। हाँ खोल लो। किस चीज़, किस चीज़ का खोलूँ? कच्चे बनियान का सोच रहा हूँ मैं, कच्चे बनियान का खोल लूँ, है ना। चलो दुकान पे तो पहुंच गए, जल्दी से माइक लेते हैं और चलते हैं। ये वाला है तो गाइस माइक तो ले लिया है, तो अब हम जा रहे हैं अपना चश्मा लेने के लिए, चश्मा मुझे नया बनवाना था, तो अभी मैं आया हूँ अपना न्यू चश्मा बनाने के लिए। देखो ये चश्मा ना बहुत ज्यादा पुराना है, मतलब 4-5 साल हो गए इस चश्मे को डाले हुए, तो अब चेंज करते हैं। ये आई थिंक थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, इसे थोड़ा छोटा लेंगे, कैसा लग रहा है, ये पोलराइज हो गया ना पीए। तो गाइस फाइनल हो चुका है, मैं ये वाला ले रहा हूँ, थोड़ा महंगा है लेकिन मैं डेली डालता हूँ, तो फिर मैं ले लेते हैं, ये मैं 4-5 साल में चेंज कर रहा हूँ, बहुत स्क्रैच लगे पड़े इसमें। अब फिलहाल आईज चेक कराता हूँ मैं, बहुत टाइम के बाद आईज पता नहीं कब चेक कराएंगे, कोई याद ही नहीं है। इसके अंदर ट्रांसपेरेंट लेंस लग जाएंगे और ये ओरिजिनल रेबन है। वैसे कुछ ज्यादा खास फर्क नहीं आया आपके आईज से, 0.25 थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज हुआ है 0.25 माइनर था। लास्ट टाइम कब कराया था चेकअप आपने? कुछ 4-5 साल हो गए, 4-5 साल, तो कोई ज्यादा खास फर्क नहीं है, आप सेम नंबर का भी बना सकते हैं। तो भी गाइस आई चेकअप हो चुका है और मेरी आईज का पावर उतना ही है भाई, लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं इतना महंगा चश्मा ले रहा हूँ, तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो गाइस सब कुछ हो चुका है, चेकिंग हो चुकी है और पेमेंट वगैरह सब कुछ हो चुकी है, अब कल ले लेंगे, कल शाम तक मिल जाएगा हमको फ्रेम।
चलो अब चलते हैं गोलगप्पे खाने के लिए, आधा किलो कोकोनट वाली मिठाई। चलो भाई गोलगप्पे भी हो गए हैं और घर वालों के लिए मिठाई भी पैक करा ली मैंने। चलो भाई पेट्रोल भरा दे, दूसरी बार पेट्रोल भरवा रहा हूँ मैं अपनी स्कूटी में, नई स्कूटी में। 300 रुपये में चल गया अराउंड 100 किलोमीटर भाई, तो अब मैंने फुल करा लिया, अब चल जाएगी 150 किलोमीटर चल जाएगी आराम से। चेन खुली थी मेरी, पोपट हो गया यार, मेरी चेन खुली थी पोपट हो गया। पूरे मार्केट घुमाया मैं सब जगह। चलो ठीक है भाई, देखो टाइम से घर भी पहुँच गया मैं। ओलू अजा ओलू सौदा आ गए हैं ओली। कहाँ है सबके सब, कहाँ है भाई? कुनाली तो यहाँ सो रहा है। कुनाली पीजा कहाँ है? बुक्स और नोटबुक्स तो यहीं पड़ी हैं। अच्छा यहाँ गेम खेल रहा है? गेम क्यों खेल रहा है? कल तेरा एग्जाम है ना, कभी आईपैड चला रहा है कभी गेम खेल रहा है, कल एग्जाम है। हाँ अब बंद क्यों कर रहा है? अब बंद क्यों कर रहा है बेटे? मैं मेरे बाहर जाते ही बेटे इतनी मार खाएगा ना, बता रहा हूँ। हाँ कल पढ़ाई है, कल पेपर है तेरा, तुम्हें शर्म नहीं है? कल तेरा पेपर है और पढ़ाई कर ले चुपचाप। भाई मैं थोड़ी देर के लिए मार्केट गया, चला गया वहाँ पे पीसी पे लग गया, गेमिंग गेम खेलने लग गया वहाँ पे। पहले आईपैड चला रहा था फिर गेम खेलने लग गया। कल मैथ का एग्जाम है इसका, मैथ बिल्कुल भी नहीं आती। क्या हो गया यार? मैथ आती है तेरे को? एग्जाम से पहले दिन पूरा दिन पढ़ना पड़ता है, सारे डाउट्स क्लियर करने पड़ते हैं तभी तो आता है। भूलने के लिए कुछ आना भी तो चाहिए भाई। मेरे कहने से कुछ नहीं होगा जब तक तेरे खुद से अंदर से नहीं आएगा ना पढ़ने के लिए। तो मैं अपने आंखों का चेकअप करा के आ गया हूं, मैं आंखों का नंबर बढ़ा नहीं है, 4-5 साल से यही है। मतलब 3 नंबर है मेरे, 1-3 है 1.5 है, दोनों आंखों का अलग अलग है। और मैंने अच्छी क्वालिटी का चश्मा और लेंस बनवा लिया आपकी बार, पहली बार। आंखें हैं सबसे मेन, तो आंखें हैं, आंखों से देखना होता है हमको। ये देखो इस चश्मे क्या हाल हो रखे हैं, कितने स्क्रैच लगे हुए हैं इसमें। अभी तक मैं इसको डालता हूँ तो ठीक नहीं है ना, आंखें भी खराब हो सकती हैं। ये देखो अब दिख रहा है कितने स्क्रैच है भाई, पता नहीं कैसे डाल रहा था मैं अभी तक इसको। भाई मुझे अपने आंखों की भी केयर करनी चाहिए, जो कि मैं करता ही नहीं भाई। मैं 4-5 साल से चश्मा एक ही डाल रहा हूँ देखो, जबकि मुझे चेंज हर साल चेंज करना चाहिए था। और नंबर मेरा वही है सबसे मेन, तो नंबर मैंने चेक कराया तो नंबर मेरा उतना ही है। चश्मा डालेगा तो पीयू जा रहे ट्यूशन, कहीं और मत जाइयो, कहीं पता लगे ट्यूशन के बहाने कहीं और निकल जाए। तो पीते हैं शाम की चाय। ये कौन सी चाय है हमें? यहाँ पे 3 अलग अलग चाय है, एक चाय ये है, एक चाय ये है, एक चाय देखो ये लाल कलर की है, ये ब्राउन है, और ये तो अपनी वाली नॉर्मल टी। तो अब मैं जा रहा हूँ राशन लेने के लिए, घर का सारा राशन खत्म हो रखा है, दाल वाल वगैरह मैगी वैगी वगैरह, तो हाँ वो ले लेंगे। चलो वो पास में जाना है, सोसाइटी से बाहर ही जाना है, लेकिन जाएंगे अपनी स्कूटी को लेके, अपनी धनों को लेके। इसका नाम मैंने धनो रख दिया। आप भी चलोगे? तो कुनाली भी चल रहा है। मजा आ रहा है? कैसा लग रहा है? सही लग रहा? चलो हम स्टोर पे पहुंच गए, अब देखते हैं क्या क्या लेने हैं। क्या क्या लेना था मम्मी ने, क्या क्या बोला था? दाल चावल। तो गाइस ऑलमोस्ट हमने सारा सामान ले लिया है, तो गाइस घर का सारा राशन ले लिया है, अब चलते हैं। चलो ये देखो स्कूटी का फायदा, अब सारा सामान यहाँ रख सकते हैं, हम यहाँ टांग लेंगे। मैं जैसे अंदर घुसा पापा जी खड़े हैं यहाँ पे स्वागत में, वो भी बनियान डाल के। तो मम्मी का सामान मैंने मम्मी को दे दिया, अपना सामान मैं अपने साथ में ले आया अपने रूम में, इसको मैं अपने साथ में रखूंगा। ये सारा मैगी ओट्स और ये कप नूडल्स हैं, पोहा पॉपकॉर्न, तो ये सारा सामान मैं लेके जाऊंगा अपनी नेक्स्ट ट्रिप पे। 2 दिन में हम कहीं निकलने वाले हैं, तो वो आप देखना कहाँ जाने वाले हैं। तो हाँ हमारे पास चूल्हा भी हो गया, सब कुछ हो गया, तो मैं सारा सामान टोकरी में डाल देता हूँ। ये टोकरी सही है ना? तो ऑलमोस्ट सारा सामान इसमें आ ही गया, थोड़ा बहुत रह गया बस। तो मैं कर रहा था एडिटिंग, तो डिनर के लिए बुलावा है, चलते हैं। चलो आज मैगी बना रखी है। तो भी गाइस खाना पीना हो चुका है, फिलहाल मम्मी आ गए मेरे सिर की चंपी करने के लिए, इसमें तेल लगाने के लिए। अब तेल लगा देंगे मैं बहुत ज़्यादा, और मम्मी देखो कंबल डाले हैं, अभी एसी चला रखा है ना मैंने, एसी चला रखा है तो मम्मी को एसी पसंद नहीं है, तो मम्मी कंबल डाल लिया मैंने देखो। तो फिलहाल मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ, बिकॉज मेरे बालों की बैंड बजने वाले, वो मैं आपको दिखा नहीं सकता, पूरे बाल मेरे ऐसे हो जाएंगे ना तेल से। तो हाँ चलो फिलहाल इसको एंड करता हूँ, आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना एंड चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर देना। मिलते गाइस जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। अच्छा तो लग रहा है मम्मी जी। मम्मी यार थप्पड़ मत मारो, थप्पड़ मत मारो। नहीं मार रही बेटा। अरे मुझे मुंह पे थप्पड़ लगा इतनी तेज। कहाँ लगा थप्पड़? लगा है मुझे मुंह पे मम्मी। रोज कहती हूँ बेटा डलवा ले डलवा ले, ज्यादा ना हफ्ते में एक 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 बार तो डलवा लिया कर।